नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे इजी टिप प्लानर के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इससे रिलेटेड मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियो बनाते रहता हूं। इस समय जिस हिसाब से देखा दोस्तों तो इस स्टॉक में एक लगातार न्यूज देखने को मिल रहा है। जब से मतलब कि मालदीव या लक्षद्वीप की बात करें उसके न्यूज के बाद दोस्तों इस स्टॉक में लगातार अपने को न्यूज देखने को मिल रहा है। और स्टॉक दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा भविष्य में और भी तेजी होगी इस स्टॉक में क्यों होगी दोस्तों, तो आपसे बता देते कि आज के दिन स्टॉक ने लगभग बहुत दिनों के बाद आप कह सकते हैं कि 50 के ऊपर ट्रेड किया। हालांकि दोस्तों मार्केट है, जिस समय मार्केट मतलब कि पूरा पॉजिटिव रहेगा तो स्टॉक भी पॉजिटिव ही था, मार्केट ने निगेटिव रिएक्ट किया तो स्टॉक ने भी मतलब निगेटिव रिएक्ट किया। तो ऐसे में देखा जाए तो आने वाले समय में इस स्टॉक में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों, उससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। वहीं पर इस स्टॉक में क्या लगातार न्यूज देखने को मिल रही है उससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। इजी टिप प्लानर के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए बहुत सारे इंटरेस्टर ने इस कंपनी को 70-72 रुपए जो कि उनका एडजस्टेड प्राइस कहिए ऑल टाइम हाई वाला जो प्राइस है दोस्तों उसके आसपास बाइंग किया होगा। देखिए दोस्तों ये मार्केट है, इसके ऊपर भी स्टॉक कभी ट्रेड कर सकता है और इसके नीचे भी कई दिनों तक ट्रेड कर सकता है, कोई फिक्स रूल्स नहीं है। ये स्टॉक मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे मतलब देखा है तो मतलब आप कह सकते हैं कि 100% कोई भी सिक्योरिटी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे 100% आप रिस्क लेकर के चल सकते हैं, ऐसा जो कि एक्सपेक्ट करके अगर आएंगे दोस्तों मार्केट में तभी जो है कि मतलब आप पैसा कमाएंगे। मतलब क्या है, कहने का अर्थ यही दोस्तों कि जो भी अमाउंट आपके पास मतलब कि ज़्यादा है दोस्तों, मतलब कि देखिए वैसे तो पैसा किसी के पास भी हो सबके लिए देखा है तो यूजेबल है, लेकिन हाँ जिस पैसे का आप रिस्क लेके चल सकते हैं उस अमाउंट के साथ आप चाहे तो मतलब जो है कि स्टॉक मार्केट को शुरू कर सकते हैं। कि कल को ये स्टॉक में अगर हमने निवेश किया, स्टॉक का प्राइस अगर नीचे आ गया, कितने दिन तक नीचे रहेगा, आपका प्राइस रिकवर नहीं करेगा, तो आपके पास पेशेंस कि मतलब जो कि कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आप चाहे तो स्टॉक मार्केट को स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों किसी भी स्टॉक को बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आज के दिन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में मतलब कि 1% की गिरावट देखने को मिली। इसके पहले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक मतलब प्रीवियस क्लोजिंग से गैप डाउन ही मतलब या उसी के आसपास कंपनी ओपन होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 48.95 रुपये के आसपास ओपन होती है, 50.40 रुपये के आसपास कंपनी ने हाई लगाया। और यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों लगभग 56.40 रुपये का जो कि कंपनी का बाउंड बिखाई है, न कि ऑल टाइम हाई। यहाँ पे अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ दोस्तों तो इस स्टॉक से रिलेटेड आए दिन कुछ ना कुछ अपने को अपडेट देखने को मिलते ही रहे। पहले हम कुछ पुराने न्यूज को देख लेते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इजी टिप प्लानर का जो देशभक्ति था दोस्तों उसके कारण मतलब कि आप कह सकते हैं कि मालदीव लक्षद्वीप का जो विवाद देखने को मिला इंडिया का मतलब, उसके बाद स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिली। तो बहुत सारे ब्रोकर्स या मतलब कि अभी एनलिस्ट की बात करें तो बाइंग की सलाह दे रहे हैं या मतलब पूछ रहे हैं दोस्तों क्या बाइंग करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो IRCTC प्राइवेट IGL मतलब जो बहुत सारे स्टॉक लगभग 12 स्टॉक दोस्तों जो कि आप कह सकते हैं कि मतलब राम मंदिर से रिलेटेड या आप कह सकते हैं कि लक्षद्वीप से रिलेटेड। देखिए दोस्तों कोई भी टूरिज्म अगर बढ़ेगा तो इंडियन रेलवे की अगर मैं बात करूँ या इंडियन होटल्स की बात करूँ, कितने भी होटल हो दोस्तों, रेलवे हो या फ्लाइट्स हो, जो भी XYZ है दोस्तों, जितना भी टूरिज्म बढ़ेगा, कोई भी एक एरियाज बढ़ेगा दोस्तों, तो वहाँ पे जो है कि बढ़ते हुए दिखेगा। ऐसा नहीं, स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखेंगे, एज ए कंपनी के हिसाब से देखेंगे तो उनके रेवेन्यू के ऊपर भी कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, कहीं क्लोज होता है तो उसके रेवेन्यू जो है कि डाउन होंगे, कहीं ओपन होता है दोस्तों मतलब खुलता है तो वहाँ पे जो है कि प्लस होते हुए दिखेंगे। तो इस पॉइंट से देखा जाए मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेंड भी देखने को मिला था एज ए राम मंदिर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस समय इजी ट्रिप देखा जाए मतलब आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फोकस पे भी रखा जा रहा है। यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों तो इजी टिप प्लानर का जो बूस्ट रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हैं कि बढ़ते हुए दिख सकता है, ऐसा जो कि यहाँ पर लक्षद्वीप के कारण बताया जा रहा है। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों जो सबसे पॉजिटिव सीन है, पॉजिटिव सीन क्या है दोस्तों कि 5% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। कुछ लोग जो है कि इजी टिप प्लानर से जो कि नाराज होते हुए दिखे थे इसके फेवर में देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे ही अगर आप 5 दिन के चार्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक में आपको मतलब कि कुछ प्रेशर क्रिएट होते हुए भी दिखा होगा। जैसा कि अगर मैं इसको हाई लेवल से कैलकुलेट करूँगा तो लगभग ये कंपनी 8% डाउन है। हालांकि दोस्तों अगर यहाँ से यहाँ तक ही देखेंगे तो लगभग 5% के आसपास ये कंपनी डाउन होते हुए दिखी थी। तो क्यों ऐसा दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं कि वही मतलब न्यूज़ जैसा कि देखा जाए तो आप कह सकते हैं 5% लोग जैसे ही नाराज हुए दोस्तों, वैसे ही कंपनी की बात करें जो निशांत पिट्टी है दोस्तों, प्रशांत पिट्टी की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने मतलब कि देखा जाए तो मतलब कुछ आके अनाउंसमेंट कर दिया। अनाउंसमेंट क्या है दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते, देखिए सबसे पहले तो न्यू एज टेक स्टॉक रैली एज ए क्वार्टर 3 अर्निंग जो कि सीजन स्टार्ट ऑन ए पॉजिटिव
नोट, जो कि इजी टिप प्लानर की बात करें दोस्तों, तो हालांकि देखिए अभी जो फर्स्ट क्वार्टर आने वाला है उसमें थोड़ा सा आपको निगेटिव देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पर जो अगला आने वाला क्वार्टर रहेगा दोस्तों जनवरी से लेकर मार्च तक, उसमें सबसे ज़्यादा आपको पॉजिटिव होते हुए दिख सकता है। सबसे पहले हम उस प्रेस रिलीज को पढ़ लेते हैं दोस्तों जो कंपनी ने अनाउंसमेंट किया। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्फॉर्म टू एक्सचेंज जो कि प्रेस रिलीज करके बताया जनवरी महीने में 16 तारीख को ही दोस्तों, टाइटल इजी टिप प्लानर की बात कर प्रेजेंट द ट्रेवल्स पब्लिक सेल विथ अनबीटेबल दोस्तों सेविंग जो कि बता रहे हैं ऑन फ्लाइट होटल, और भी ज़्यादा आप जो है कि बचा सकते हैं इस समय जो कि मतलब आप कह सकते हैं मतलब 26 जनवरी तक आप कह सकते हैं ट्रैवल रिपब्लिक सेल जो कि चल रहा है एक प्रकार से, जो कि कंपनी ने बीच बचाव किया उसके बाद ही स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिली है। न्यूज कब का है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 9:30 बजे के आसपास अपने को न्यूज़ देखने को मिलता है, 16 जनवरी को ही देखने को मिलता है। और आज की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन अगर आप देखेंगे तो 1% की स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम कंपनी के हाई की बात करें तो 18 जनवरी 2023 देखने को मिला था, तो हो सकता है कि आने वाले समय ये कंपनी अगर कुछ दिनों तक 50 के ऊपर ट्रेड करती है तो इस लेवल को भी टच कर सकती है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक में मतलब क्या है कि प्रीवियस क्लोजिंग से जो है कि मतलब ये कंपनी गैप डाउन होती है, उसके बाद जैसे ही न्यूज आता है स्टॉक में एक तेजी देखने को, फिर वापस जो है मार्केट है दोस्तों अप्स एंड डाउन तो चलता रहता है। हालांकि दोस्तों अगर मैं कंपनी की एक साल की बात करूँ तो लगभग 13% कंपनी डाउन है, वहीं पर अगर आप एक महीने में देखेंगे तो लगभग 21-22% जो है कंपनी अप में है। यहाँ पे 6 महीने की बात करूँगा अगर दोस्तों, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लगभग आप कह सकते हैं कि 25-30% के आसपास जो है कंपनी ने अभी तक लोअर लेवल से रिटर्न बना के दिया, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ लोग हो सकता है कि इस चीज़ को थोड़ा सा निगेटिव वे में ले सकते हैं दोस्तों, प्रमोटर मतलब लगातार अभी देखा जाए तो कुछ ना कुछ सेलिंग करते जा रहे हैं। तो हालांकि दोस्तों बताना चाहता है देखिए इकलौती ऐसी कंपनी आप कह सकते हैं, कंपनी में अभी तक मतलब कुछ भी निगेटिव ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल नहीं रहा है। एज ए प्रमोटर के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो बहुत सारे ऑफर चला रहे हैं, कुछ उनके भी मतलब देखा जाए तो मतलब दोस्तों कुछ खर्चे होंगे तो उस हिसाब से देखा है तो कुछ प्लस माइनस कर रहे हैं, तो कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं है। FIs की बात करें तो FIs ने भी कुछ सेलिंग किया, हालांकि FIs भी 2 क्वार्टर से सेलिंग कर रहे हैं। DIs की बात करें तो DIs ने भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया है। यहाँ पर अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने बाइंग किया है। वहीं पर अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ दोस्तों, देखा जाए देखिए इस समय इस स्टॉक में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए वैल्यूम तो पहले से बन रहे थे, लेकिन हाँ जो डिलीवरी माल उठाया जा रहा है थोड़ा सा आप कह सकते हैं डिसेंट उठाया जा रहा है, लगभग 40-45% के आसपास निकल के आ रहा है। वहीं पर जो लगातार अपने को न्यूज़ देखने को मिल रहा है मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते देखिए इसके पहले भी कंपनी ने कुछ 15 तारीख को भी प्रेस रिलीज करके बताया था जो कि रोड शो करने की बात हो रही थी, फर्स्ट टाइम इन द जो कि केटल्स इंडिया टूरिस्ट इंडस्ट्रीज की जो कि बात हो रही थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो 13 तारीख को भी कुछ आपको इन्फॉर्म देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे चलो लक्षद्वीप जो कि एक मतलब कि इन्होंने देखा इसको, तो इसको भी मतलब आप कह सकते हैं कुछ मतलब 13 तारीख की न्यूज़ देखने को मिली, उसके बाद भी आप कह सकते हैं मतलब लगातार अपने को इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिलते ही रहते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सब्सिडरी से रिलेटेड जो कि स्टिप प्लानर जो कि मतलब बता रहा है दोस्तों कि मतलब इंश्योरेंस ब्रोकर्स तमाम दोस्तों मतलब कि लगातार अपने को इस स्टॉक में न्यूज़ देखने को मिल रही है। और कंपनी की बात कर जब से लक्षद्वीप का दोस्तों मैटर आया है, लक्षद्वीप मालदीव से रिलेटेड, अयोध्या से रिलेटेड, राम मंदिर से रिलेटेड, तब से देखा है तो स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अभी तक देखा है तो 30% के आसपास रिटर्न भी बना के दे दिया है। तो छोटी मोटी स्टॉक में जो है कि गिरावट देखने को मिलती रहेगी। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी हो सकता है अगर 50 के ऊपर कुछ दिनों तक ट्रेड करती है तो मेरे पॉइंट से एक नया हाई भी लगा सकती है, मतलब जो इसका 52 बिखाई जो 56 रुपये का है दोस्तों उसको भी ये कंपनी तोड़ सकती है, तो आने वाले समय ये 70 रुपये के लेवल को भी टच कर सकती है। हालांकि दोस्तों गिरावट होती है तो कंपनी 45 रुपये तक आ सकती है। वहीं पे तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी अगर 50 के ऊपर ट्रेड करती है कुछ दिनों तक तो एक नया 52 बिखाई भी लगा सकते हैं, नया 52 बिखाई तोड़ती है दोस्तों 70 रुपये तक भी जा सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।